टाइम मैंने प्रॉपर लिखा आप लोगों को बताने के लिए, 4:30 से 5 का जो टाइम है मॉर्निंग का, सर्कैडियन क्लॉक का जो रिसर्च है वो क्या बोलता है, इस टाइम बॉडी का टेम्परेचर है वो लोवेस्ट होता है, ठीक है। अब ऐसे में अगर आप एसी में सोएंगे तो आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, साइनस जैसी प्रॉब्लम, ठीक है, कोल्ड, कफ, रिनाइटिस, ये होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। ये जो चीज़ें हम बता रहे हैं ना, एक बार एक महीने के लिए करके देखो सारे, ठीक है। तो जो 4:30 से 5 का टाइम है, इस टाइम में अगर आप घर में एसी लगा रहे हो या आप तेज फैन में सो रहे हो तो बंद कर दो, बंद करके सो के देखो, ठीक है। 6 बजे का टाइम है, जो 6 AM का मॉर्निंग का टाइम है, वो आपका जो कॉर्टिसोल हार्मोन है, जो कि स्ट्रेस इंड्यूसिंग हार्मोन है, वो हाईएस्ट होता है। ऐसे में अगर आप बॉडी को रिलैक्स करने वाला कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, वो बॉडी को सबसे ज़्यादा फायदा देती है। नेक्स्ट चलते हैं 7 से 9 बजे, 7 to 9 AM का टाइम जो है, आपका जो वाइटल फोर्स है आपके स्टमक में होती है, पेट में, तो मैक्सिमम जो आपके डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो 7 से 9 बजे के बीच में बॉडी में रिलीज होते हैं। तो 7 से 9 बजे के बीच में अगर आप दिन का पहला मील खाते हैं तो सबसे अच्छा डाइजेशन उसका होता है, सबसे ज़्यादा उसका गुड आउटकम आता है। 7 बजे जो है आपका बीपी भी फ्लक्चुएट करता है। अच्छा, कोई जिसने कभी भी हार्ट इंस्टीट्यूट में काम किया हो उसको पता होगा, जो 7 बजे का टाइम है, अक्सर स्ट्रोक आना है किसी पेशेंट को, या जिस पेशेंट की टेंडेंसी है हार्ट की बीमारी है, उनको 7 बजे के टाइम के आसपास टेंडेंसी रहती है फ्लक्चुएशंस की। तो ऐसे में अगर कोई आपके घर में पेशेंट है जिसको बीपी की प्रॉब्लम है या हार्ट डिजीज है या ऐसा कुछ भी सिनेरियो है, कोशिश करो कि उस इंसान को गुस्सा नहीं आए। क्योंकि कहते हैं ना, सुबह सुबह क्या सड़ी सी बात कर दी, गुस्सा क्यों कर रहे हो, सुबह सुबह नहीं गुस्सा करते होते, कह देते हैं ना ऐसे, क्यों, क्योंकि जो 7 AM का टाइम है, रिसर्च क्या बोलती है, जो आपका वाइटल फोर्स है दैट इज इन योर, दैट इन्हांसेज योर, दैट इफेक्ट्स योर कार्डिक एक्टिविटी एंड योर बीपी। ऐसे में अगर पेशेंट कुछ भी ऐसा करेगा जिसकी वजह से वो गुस्सा खा के बीपी हाई करेगा, दैट कैन बी हार्मफुल फॉर हिज हार्ट कंडीशन। 9 से 11 सर्कैडियन क्लॉक क्या कहता है, आपकी बॉडी का टेस्टोस्टेरोन लेवल सबसे ज़्यादा हाई है। तो अगर आपको कोई भी ऐसा फोर्स वाला वर्क करना है, एक्टिविटी करना है, जैसे जिम वर्कआउट करना है, ठीक है, तो ये वाला जो आपका टाइम है वो बेस्ट है। तो इसी तरह जो आपका दिन का सारा साइकिल है वो सर्कैडियन के हिसाब से एक क्लॉक बना हुआ है। हम लोग आपको यहाँ पे बोलते हैं कि सुबह उठ के योगा करो, मेडिटेशन करो, ठीक है, शाम को अर्ली सो, कहते हैं ना अर्ली टू वेक एंड अर्ली टू स्लीप अच्छा होता है। तो ये पैटर्न्स क्यों बने हैं, ये आपकी बॉडी के छोटी छोटी चीज़ों को सिंक्रोनाइज्ड करने के लिए। देखो, ह्यूमन बॉडी ना एक मशीनरी की तरह काम करती है, हर मशीनरी के सेटअप और डिफॉल्ट सेटिंग अलग अलग है। हम लोग यहाँ पे हर वो चीज़ कोशिश करते हैं, इंटीग्रेटेड का मतलब ही यही होता है कि हर चीज़ को कंबाइन करके यूज़ करना जो पेशेंट के लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम लोग पेशेंट्स को एकदम से बोल देते हैं कि आपका डायलिसिस स्टॉप कर दो, डायलिसिस बंद हो जाए। डायलिसिस इज सपोर्टिव ट्रीटमेंट। जिस पेशेंट का ऑलरेडी डायलिसिस चल रहा है, हफ्ते में 3 बार चल रहा है या हफ्ते में 2 बार चल रहा है, उसको बड़ा क्लियर कट ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी होगी कि आपकी विद टाइम फ्रीक्वेंसी कम होगी। 10 दिन में डायलिसिस बंद नहीं होगा, 10 दिन में जो है किडनी की फंक्शनिंग इंप्रूव होगी। किडनी की फंक्शनिंग इंप्रूव होगी तो धीरे धीरे जो डायलिसिस की रिक्वायरमेंट है टॉक्सिन्स को रिंस करने की, वो अपने आप ऑटोमेटिकली स्लो डाउन होती जाएगी, ठीक है जी। और इसका जो मार्कर है, आप लोग अक्सर क्रिएटिनिन को लेके, यूरिया को लेके बॉदर करते हैं, ठीक है। जो आपका किडनी की फंक्शनिंग का मार्कर है वो आपका GFR होता है, जो है आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, कि आपकी किडनी कितना फिल्टर कर रही है। कैंसर के पेशेंट्स पे आ जाते हैं, कैंसर का पेशेंट है कोई हमारा यहाँ पे, कोई भी नहीं है। कैंसर की बीमारी कैसे होती है,